आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक 60 रुपए की पॉलिश डिश कैसे आपके बाथरूम को क्लीन कर देती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। आपका भी बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट की टाइल्स गंदी हो चुकी है और आप सभी प्रकार के केमिकल यूज करने के बावजूद भी आपकी टाइल साफ नहीं हुई है तो इस वीडियो को पूरा देख लें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं जो लोग बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग गंदे बाथरूम से परेशान हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइल्स को साफ करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करने वाला हूं। मैं आपको एकदम नेचुरल तरीका दिखा रहा हूं जिसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। यह जो आप देख रहे हैं यह एक साधारण सिरामिक टाइल्स है जो लगातार पानी पड़ने से और प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होने के कारण से इन पर जिद्दी क्षार जम गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह टाइल्स अभी वापस क्लीन हो रही है। इस प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम जरूर जाता है, लेकिन टाइल्स वापस एकदम नई हो जाती है। यह एक खास प्रकार की स्पंज डिश पैड है जो ग्राइंडर में लगाकर कोई भी टाइल्स को क्लीन कर सकता है। पहले यह देख लेते हैं कि यह डिश क्या क्या क्लीन कर सकती है। ग्रेनाइट और मार्बल दोनों साफ कर सकती है। ये आप देख रहे हो, इधर से देखो ये कैसा है और इधर से देखो पूरा साफ, इधर से पूरा पानी से जम गया है। इसको क्लीन क्लीन हो गया। इस प्रोसेस से ना सिर्फ टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट क्लीन कर सकते हैं बल्कि किचन का स्टील सिंक और नल भी साफ कर सकते हैं। यह डिश एमरी ना सिर्फ प्लेन सरफेस की टाइल्स को साफ करती है बल्कि उबड़ खबड़ वाली डिजाइन वाली टाइल्स को भी यह साफ कर सकती है। अब ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं इसका सरफेस उबड़ खबड़ है, यानी इस टाइल्स का पैटर्न ही ऐसा है और आप देख सकते हैं कि क्षार इतना ज़्यादा जम गया है कि टाइल्स की डिजाइन भी नज़र नहीं आ रही है। इस एम्ब्री को टाइल्स पर घिसने से टाइल्स के पैटर्न, डिजाइन या कलर पर कोई नुकसान नहीं होता है, यह सिर्फ दाग धब्बे हटाती है। टाइल्स की पॉलिश पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके लिए आप चिंतित ना हों। ये कोई भी कर सकता है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मी। अब आप देख रहे हैं बाथरूम का फ्लोरिंग क्लीन हो रहा है जिसमें पुराने स्पार्टेक टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स के बाद अब हम साफ करेंगे किचन का ग्रेनाइट। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी एम्ब्री से नल पर लगा हुआ जंग कैसे साफ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नल पे जो जंग लगा हुआ था वो एकदम क्लीन हो चुका है।
अगर आपके सिंक में भी जंग लग गया हो या एसिड के दाग पड़ गए हों तो आप इस डिश से अपने सिंक को वापस चमका सकते हैं। अगर आपके बाथरूम के फ्लोर में वाइट टाइल्स लगी हुई है और गंदी हो चुकी है और फिसलन भी होती है तो वहाँ पर आप इस प्रकार की जीरो नंबर डिश यूज कर सकते हैं। इससे टाइल्स की पॉलिश और कालापन निकल जाता है और आपकी टाइल्स वापस सफ़ेद और रफ हो जाती है। यहाँ पर यह ध्यान दें कि रंग बिरंगी टाइल्स पर जीरो नंबर एमरी यूज ना करें, नहीं तो वो टाइल्स की पॉलिश निकल जाती है और बाद में वो सफ़ेद हो जाती है जिसके कारण से खराब दिख सकती है। अब बात करते हैं इस पेड की। इसको कई लोग डिश, ब्लेड, एमरी या डट्टा भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम 320 स्पंज पॉलिश पेड है। इसकी कीमत मार्केट में 60 से 70 रुपए के बीच में होती है। एक डिश लगभग 20 से 30 स्क्वायर फुट का एरिया क्लीन कर देती है। यह एमरी आपको साधारण हार्डवेयर के शॉप पर नहीं मिलेगी। यह एमरी वहां पर मिलेगी जहां पर कटर, ग्राइंडर या अन्य मशीन रिपेयर होते हैं, वहां पर आपको ये आसानी से मिल जाती है। अगर आपका बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट ज़्यादा गंदा ना हो तो आप सामान्य तरीकों से टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी टाइल्स बहुत गंदी हो चुकी है और दाग बहुत जिद्दी हैं और किसी भी प्रकार के केमिकल यूज करने से दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं और आप टाइल्स को तोड़कर नया टाइल्स लगवाने की सोच रहे हैं, तब आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से टाइल्स को क्लीन करवा सकते हैं। मेरा बताया गया तरीका आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, आपके पैसे की बचत होगी। यह काम मार्बल या टाइल्स फ्लोरिंग के मिस्त्री लोग आसानी से कर सकते हैं। आप उनको बुलाकर बाथरूम क्लीन करवा सकते हैं। इसके लिए आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अथवा गूगल पर सर्च करें contractorg.com। वहाँ पर आपको आप ही के शहर में सभी प्रकार के काम करने वाले मिस्त्री और ठेकेदार मिल जाते हैं। आप उनको सीधे कॉल कर सकते हैं, आप उनको एस्टीमेट के लिए अपने घर पे बुला सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।